नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो फर्जी होते हैं और कई सारे राजनेताओं के नाम पर होते हैं, उनकी तस्वीरें भी उसमें लगी होती हैं। आमतौर पर जो यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं, हालांकि वो ब्लू टिक ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी ट्विटर पर, फेसबुक पर, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर कई सारे ऐसे फर्जी अकाउंट्स चल रहे हैं जिनसे खबरें जो हैं फेक खबरें फैलाई जाती हैं, हेट न्यूज़ फैलाई जाती है, राजद्रोह वाले कुछ ऐसे पोस्ट किए जाते हैं, भड़काऊ पोस्ट किए जाते हैं। तो इसको लेकर एक मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी कि इसको लेकर कुछ कीजिए, कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार कीजिए। तो मैकेनिज्म तैयार करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से ये पूछा है कि इसको लेकर क्या मैकेनिज्म हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई में ये समाज को बांटने वाली एक चीज़ है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक आम आदमी जो लगातार मोबाइल यूज़ करता है, उसमें खबरें देखता है, उस तक अगर फर्जी खबरें पहुंच रही हैं और ऐसे अकाउंट्स के जरिए पहुंच रही हैं जिस पर राजनेता की फ़ोटो लगी हो, उनके नाम हो, ऐसे बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स चल रहे हैं, तो आदमी उस पर यकीन कर लेता है और उसके बाद वो ठीक नहीं होता एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो ट्विटर पर निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मई 2020 में एक याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में ट्विटर कंटेंट को चेक करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि बोगस अकाउंट से फर्जी खबरें और भड़काऊ संदेश के जरिए समाज में नफरत फैलाई जा रही है। ये याचिका भाजपा के ही नेता विनीत गोयनका ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मशहूर लोगों और गणमान्य व्यक्तियों के नाम पर सैकड़ों फर्जी ट्विटर हैंडल और बोगस फेसबुक अकाउंट हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन फर्जी ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट में संवैधानिक अधिकारियों, मशहूर नागरिकों की वास्तविक तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि आम आदमी ऐसे ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट से जारी संदेशों पर विश्वास कर लेता है और इसीलिए इस पर कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि ट्विटर, फेसबुक सहित सभी सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स का केवाईसी किए जाने की बड़ी जरूरत है, जिससे सोशल मीडिया पर भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले पोस्ट शेयर करने वालों की आसानी से पहचान की जा सके। देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे कोर्ट जो है वो सरकार को क्या दिशा निर्देश देता है और क्या वाकई में इसको लेकर कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाता है। अगर तैयार किया जाता है तो कैसे तैयार किया जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, बहुत आगे की बात है, लेकिन फिलहाल ये ज़रूरी है। ये याचिका जनहित में ही है क्योंकि आम लोग जो ऐसी फर्जी खबरों पर यकीन कर लेते हैं, उनको जो ये फर्जी खबरें पहुँचाते हैं उन पर लगाम लगाए जाने की बड़ी ज़रूरत है, तो ऐसे में ये याचिका दायर की गई है। कुछ और अपडेट होगी तुरंत बताएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।